वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 39 और यूपी पीजीटी टीजीटी इन कॉमर्स। प्लीज जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। टॉपिक आज मेथड ऑफ कॉस्टिंग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन। लेक्चर नंबर 39 पीजीटी टीजीटी इन कॉमर्स के लिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। कॉमर्स की बात करेंगे आज पीजीटी लेक्चर नंबर 39 मेथड ऑफ कॉस्टिंग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। जल्दी से जुड़िए सभी लोग ऑनलाइन। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कौन कौन से टॉपिक के मेथड होते हैं कॉस्टिंग के? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, सब चीजों का आज पता लगेगा। जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट शीट की, बात भी करेंगे यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट की बात भी करेंगे। आज किसकी? कॉस्ट शीट का एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। सबसे पहला है यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है। यूनिट कॉस्टिंग, दिस मेथड आल्सो कॉल्ड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। इस मेथड को हम लोग सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस इन आइडेंटिकल क्वांटिटेटिव यूनिट्स एंड इज सुटेबल फॉर प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। कॉस्ट आर असर्टेंड फॉर कन्वीनियंट यूनिट ऑफ आउटपुट। ऐसी यूनिट कॉस्ट उसको कहा जाता है, इसको सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये मेथड यूज होता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब पहचान कर सकें कितनी क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इट्स सुटेबल फॉर प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड कॉस्ट आर असर्टेंड बाय कन्वीनियंट यूनिट ऑफ आउटपुट। कितना यूनिट हमारा प्रोडक्शन हुआ उसके बेसिस पर हम लोग कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, कॉस्ट को निश्चित करते हैं।
ऐसे को हम लोग यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं। ब्रिक मेकिंग, ईंट बनाते हैं, माइनिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, फ्लोर मिल, आटा मिल, तो इन सब जगह पर यूनिट कॉस्टिंग की बात करते हैं। दिस मैथड ऑल्सो कॉल्ड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, द मैथड फॉर कॉस्टिंग यूज फॉर प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस इन आइडेंटिकल क्वान्टिटेटिव यूनिट्स। ऐसे प्रोडक्ट जहां पर आपको पता है ये कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 20 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 30 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 40 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। तो दिस मैथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस इन आइडेंटिकल क्वान्टिटेटिव यूनिट एंड इज सुटेबल फॉर प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो ऐसे मैन्युफैक्चर्ड के लिए, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये यूनिट कॉस्टिंग आपकी सुटेबल रहती है जहां पर कंटिन्यूस एक लगातार मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है। पहले ब्रिक मेकिंग की बात करिए, माइनिंग की बात करिए, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, डेली फ्लोर, डेयरी की बात करिए, फ्लोर मिल्स, ऐसी सब जगह पर यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला आया जॉब कॉस्टिंग। अगला, अंडर दिस मैथड कॉस्ट आर असर्टेन फॉर ईच वर्क ऑर्डर सेपरेटली एज ईच जॉब हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशन एंड द स्कोप। मतलब जॉब कॉस्टिंग का मतलब है अलग अलग जॉब, मतलब कार्य, अलग अलग जॉब के अनुसार, अलग अलग काम के अनुसार इसमें हम लोग ईच वर्क ऑर्डर सेपरेटली, हर काम अपने आप में एक अलग होता है, उसी के अनुसार हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। जैसे पेंटिंग हो गया, एक बार आपने एक घर में पेंटिंग कर लिया, फिर दूसरे घर में पेंटिंग करेंगे, फिर तीसरे घर में, चौथे घर में, ऐसे कार रिपेयर, एक कार रिपेयर, सेकंड कार रिपेयर, थर्ड कार रिपेयर, फोर्थ कार, एक साथ आप 50 कार रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें अपने आप में सब काम अपने आप में सेपरेटली होता है, और सभी काम, सभी जॉब अपने आप में, सबकी स्पेसिफिकेशंस अलग होती है, सबका स्कोप अलग होता है। कहीं पर कहीं रेड कलर करना होगा, किसी की दीवार बहुत बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, फिर डिजाइन बनवाएगा। तो दैट इज द ओनली रीजन जॉब कॉस्टिंग हम लोग वहां पर अप्लाई करते हैं। अंडर दिस मैथड कॉस्ट आर असर्टेन फॉर ईच वर्क है ऑर्डर सेपरेटली, सभी काम सेपरेट सेपरेट अलग अलग सब कुछ किए जाते हैं, और ईच जॉब हर काम अपने आप में एक अलग होता है, उसका स्पेसिफिकेशंस अलग होता है और उसका स्कोप अलग अलग होता है। जैसे कि पेंटिंग की बात करिए, कार रिपेयर हो गया, डेकोरेशन हो गया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, इसको हम लोग बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग, जहां पर हर जॉब अपने आप में अलग स्पेसिफाई जॉब है, और हर जॉब अलग अलग करेंगे, सेपरेटली करेंगे। ऐसी जगह पर हम लोग यूनिट जॉब कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं? जॉब कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दिस मेथड कॉस्टिंग इज डन फॉर बिग जॉब्स विच इन्वॉल्व हैवी एक्सपेंडिचर एंड स्ट्रेचेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड ऑफन इट इज अंडरटेकन एट अ डिफरेंट साइट। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड हैज ए सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्टिंग। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, कि रोड बन रही है, जो बड़े बड़े काम होते हैं, अंडर दिस मैथड कॉस्टिंग इज डन फॉर बिग जॉब्स, जैसे कि फ्लाईओवर बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, ऐसी जगह पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। तो अंडर दिस मैथड कॉस्टिंग इज डन फॉर बिग जॉब्स, बड़ी बड़ी जॉब्स को एक साथ पूरा करने की कोशिश होता है। इन्वॉल्व्स हैवी एक्सपेंडिचर, इसमें एक्सपेंडिचर ही बहुत ज्यादा लगता है। स्ट्रेचेस मतलब फैलाना, ओवर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक ये काम चलता है। ऑफन इट इज अंडरटेकन एट अ डिफरेंट साइट, तो मेट्रो की एक साइट लखनऊ में चल रही है, एक बनारस में चल रही है, एक आगरा में चल रही है, एक दिल्ली में चल रही है। तो कुल कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग जॉब्स, सब बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत लंबे समय तक ही फैला रहता है, और अलग 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 साइट्स, अलग अलग लोकेशंस पे काम होता है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट ऑफ कॉस्टिंग, और सभी कॉन्ट्रैक्ट एक अलग यूनिट उसको माना जाता है। जैसे कि लखनऊ मेट्रो को एक काम मान लिया, बनारस मेट्रो को दूसरा, आगरा मेट्रो को तीसरा, कानपुर मेट्रो को चौथा, चार जॉब मान ली, फोर जॉब। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए टर्मिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो देखिए लिखा भी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड, बिल्डिंग एटसेट्रा कम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्वेश्चन पेपर में यही पूछा जाता है, कौन सी एग्जाम्पल, कौन सी कॉस्टिंग का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रयोग हम लोग जहां पर टर्मिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे, टर्मिनल कॉस्टिंग कहते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस की बात करेंगे, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये सब हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर आती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन।
समझ गए। तो अंडर दिस मेथड कॉस्टिंग इज डन फॉर वेरी बिग जॉब्स विच इन्वॉल्व द हैवी एक्सपेंडिचर्स एंड स्ट्रेचेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ऑफन इट इज अंडरटेकन एट अ डिफरेंट साइट्स। इज कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्टिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टर्मिनल कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड बिल्डिंग, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट्स, दैट इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्लियर। अगला आया बैच कॉस्टिंग। तो बैचेस में, एक स्पेसिफिक बैचेस में प्रोडक्शन होता है, उसको बैच कॉस्टिंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज वेयर द यूनिट्स प्रोड्यूस इन ए बैचेस और यूनिफॉर्म इन नेचर एंड डिजाइन। तो एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, उनकी प्रकृति, उनके डिजाइन एक जैसी होती है। फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए जॉब और सेपरेट यूनिट्स। तो मतलब जो एक बैच में मान लीजिए 50 प्रोडक्ट्स आप निकाल लो, 50 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 50 के 50 प्रोडक्ट्स क्या होंगे, उसका यूनिक डिजाइन होगी और उनका नेचर भी उनका एक जैसा होगा, सबका एक ही जैसा होगा। ठीक है, दे विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर, दे विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर, दे विल बी यूनिफॉर्म इन डिजाइन। तो फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग ईच बैचेस, एक बैचेस की अलग अलग कॉस्टिंग निकालते हैं। बैच वन की अलग कॉस्ट, बैच टू की अलग कॉस्ट, बैच थ्री की अलग कॉस्ट, बैच फोर की अलग कॉस्ट। इंडस्ट्रीज लाइक ए बेकरी, फार्मास्यूटिकल्स usually use the batch costing method. So आजकल बहुत सारी जगह पर batch costing methods का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हर product के पीछे एक lining पड़ी होती है, black lining, पतली line, फिर बहुत thick होती है, फिर पतली, फिर thick होती है, फिर thick होती है। That is called, that is the symbol of batch processing. जब हम लोग batch, उसमें जो उसी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कोड। आप मॉल में जाते हैं तो ना, मॉल में देखिए वो बार कोड को रीड करके प्राइसिंग करते हैं ना, तो उस ऐसे सभी प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसको वो बैच प्रोडक्शन के तहत, बैच प्रोडक्शन के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हम लोग बैच प्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को और एक बैच को, पूरे बैच को हम लोग, एक बैच को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्टिंग आएगी, उसको बैच कॉस्टिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बैच कॉस्टिंग। क्लियर। अगला है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। अभी तक कोई डाउट किसी में? बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, चारों में कोई डाउट? इन चारों में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है। वेयर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ सर्विसेज सच एज नर्सिंग होम, बस स्टेशन या बस स्टॉप, रेलवे और चार्टर्ड बसेस एटसेट्रा। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ सच पर्टिकुलर सर्विसेज। ईच पर्टिकुलर सर्विस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन केस ऑफ नर्सिंग होम, ए यूनिट इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट ऑफ ए बेड पर डे। फॉर बसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ए किलोमीटर इज ट्रीटेड एज ए यूनिट्स। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर आप उसको बसेस, आप बस को बोलिए या रेलवे को बोलिए, चार्टर्ड बसेस को बोलिए, एयरक्राफ्ट्स को बोलिए, नर्सिंग होम्स को बोलिए, उनको ऑपरेट करने में जो कॉस्टिंग इंक्लूड होती है। तो बेड मान लीजिए एक हॉस्पिटल में 10 बेड हैं, तो पर बेड की कॉस्टिंग कितनी है? 1000 रुपीज। तो अगर मान लीजिए टोटल कॉस्टिंग अगर 10 के 10 बेड ऑक्युपाइड हो जाते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? 10,000 पर डे। तो दैट ऐसे ही एक बस मान ली 50 किलोमीटर चल रही है, 50 किलोमीटर चलने में 500 रुपए कॉस्ट आ रहा है, तो पर किलोमीटर कॉस्टिंग कितनी हो रही है? 10 रुपीज। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट। तो किसी पर्टिकुलर चीज को ऑपरेट करने के लिए वट एवर द कॉस्ट विल बी इनकर्ड, दैट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज ए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट आया प्रोसेस कॉस्टिंग।
दिस काइंड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर द प्रोडक्ट विच गो थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स गोज थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस स्पिनिंग, द आउट ऑफ द स्पिनिंग इज ए यार्न. इट इज अ फिनिश प्रोडक्ट विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट टू वेवर्स एज वेल एज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर वीविंग इन द सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ यार्न, द कॉस्ट ऑफ स्पिनिंग. तो ऐसे सब प्रोडक्ट जहां पर कई प्रोसेस से होकर, जो सिंपल भाषा में समझिए, ऐसे जो प्रोडक्ट जिसको कई सारे प्रोसेस से होकर ओवरऑल प्रोडक्ट्स बनता है, तो ऐसी कॉस्टिंग. जैसे कार है, कार में टायर कहीं से, टायर वाला अलग हुआ, बैटरी अलग हुआ, ग्लास अलग, प्लास्टिक अलग, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जाके ओवरऑल कार ओवरऑल प्रोडक्ट असेंबल होता है. ऐसी कॉस्टिंग को हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं. For the purpose of finding out the cost of YAM, the cost of spinning, process to be ascertained. The second step is to weaving process. The output of the weaving process is cloth, which also can be sold as a finished product in the market. In such case, the cost of cloth needs to be evaluated. Clear? The third process is converting cloth into the finished product, such as shirt or trouser. Each product needs to be evaluated separately, as the output of the each process can be treated as a finished good. As well as the consumed raw material for the next process. तो यही है कि पर्टिकुलर एक कपड़ा है, कपड़े को उसको बुना गया, पहले कपड़ा बनाया गया, फिर कपड़ा बुना गया, फिर उस कपड़े का स्टिचिंग करी गई, उस स्टिचिंग करने वाले कोई पर्टिकुलर शर्ट्स बनाया या ट्राउजर बनाया, उसको मार्केट में सेल किया. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से जाके जो प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, ऐसी कॉस्टिंग को हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं. मल्टीपल कॉस्टिंग, when the output comprises many assembled part or components such as, jab hum log kai sare parts ko, jaise computer ho gaya, when the output comprises many assembled parts or components such as the television, motor car, electronic goods, electronic gadgets, cost have to be ascertained for each component as well as the finished product. Such costing may involve different method of costing for different component. Therefore this cost of costing, this type of costing is known as the composite costing or multiple costing. इसको composite, जैसे कि जब different processes आएगा तो process costing बोलेंगे. तो अगर एक computer है, पूरा computer में CPU की costing, CPU में hard disk कौन सी लगी है, processor कौन सा लगा हुआ है, monitor की costing क्या है, keyboard कौन सा है, mouse कौन सा है, UPS कौन सा है, तो कई सारे part को assemble करके जब जो product बनता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग पहले सभी पार्ट्स की हम लोग कॉस्टिंग करेंगे, उसके बाद फिनिश गुड्स की भी कॉस्टिंग करेंगे, उसको हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग और कंपोजिट कॉस्टिंग कहा जाता है. फिर आए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. दिस इज नॉट अ सेपरेट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, दिस इज अ सिस्टम ऑफ यूजिंग द सेम मेथड ऑफ कॉस्टिंग by number of firms in the same industry. It is treated as a common system of using agreed principles and standard accounting practices in the identical firms or industry. This helps in the fixation of the price of the product and the inter-firm comparison. Uniform costing होती है ऐसी costing जो कई सारी firms में एक जैसी follow हो रही है. जैसे crude oil industry है, अब देखिए crude oil का price, आप किसी भी Indian oil से petrol लीजिए, आप भारत petroleum से लीजिए, HP से लीजिए आप, ठीक है, भले Reliance petroleum से लीजिए, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हमारा रिमेन, प्राइसेस उसका सेम रहता है. तो दिस इज नॉट ए सेपरेट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कोई मेथड नहीं है कॉस्टिंग का. तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग उसको कहते हैं जब सेम मेथड कॉस्टिंग का फॉलो होता है इन अ नंबर ऑफ फॉर्म्स, कई सारी फॉर्म्स में सेम इंडस्ट्री में. जैसे क्रूड ऑयल का हमने एग्जाम्पल दिया, दैट इज द ओनली रीजन प्राइसेज ऑफ द क्रूड ऑयल इज सेम इन अक्रॉस ऑल द ब्रांड वट एवर यू आर परचेजिंग. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. इट इज ट्रीटेड एज ए कॉमन सिस्टम ऑफ यूजिंग अग्रीड प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस in the identical firms or industry. This help in a fixation of the price of the product and inter-firm comparisons. इसको बोलते हैं uniform costing. आगे है, पहला हो गया margin, next है marginal costing. In marginal costing, it allocate only variable cost, direct material, direct labor and other direct expenses and variable overhead to be the, यहाँ पर हम लोग केवल marginal costing क्या होती है, एडिशनल, सिंपल भाषा में समझिए, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. उस कॉस्ट को पता लगाने के लिए टेक्निक यूज करते हैं उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं. इसमें केवल हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं. केवल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू
चेंज इन द कॉस्ट अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी. तो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में वट एवर द कॉस्ट विल बी इनकर्ड, दैट कॉस्ट विल बी कॉल्ड ए मार्जिनल कॉस्टिंग. तो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्टिंग लगती है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं. इन मार्जिनल कॉस्टिंग इट एलोकेट ओनली वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड टू द प्रोडक्शन. क्लियर? तो इट डजंट टेक इनटू द एक्शन अकाउंट द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स्ड कॉस्ट को ऑफ प्रोडक्शन को इसको इंक्लूड नहीं करते. द टाइप ऑफ कॉस्टिंग इंफेसिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर है ना? केवल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं. एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाता है. इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोले, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट हो गई, वेरिएबल ओवरहेड हो गए, इसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाता है. मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला हो गया चेंज इन कॉस्ट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन द कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. क्लियर? फिर हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, दिस टेक्निक ऑफ एब्जॉर्बिंग फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट. अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट फुल कॉस्ट दैट इज फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड टू द प्रोडक्शन. क्लियर? इसमें एब्जॉर्ब पूरी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को एब्जॉर्ब करके हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं. वेरिएबल कॉस्टिंग प्रोड्यूस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी लग रही है, फिक्स कॉस्ट का भी उसमें कुछ पार्ट इंक्लूड करेंगे, दोनों को एब्जॉर्ब करके जो कॉस्टिंग करते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहा जाता है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिफर्स टू द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू द अकाउंट ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. द मैनेजमेंट यूजेस दिस मेथड टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ए प्रोडक्ट. द कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड मटेरियल लेबर यूज इन प्रोडक्शन. इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड फैक्ट्री रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कंप्लायंस एंड इंश्योरेंस. इन सबको मिलाकर जो हमारा कॉस्टिंग आता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, उस जो कॉस्टिंग करते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहा जाता है. डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो गई हमारी, मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर यूज इन प्रोडक्शन हो गया. भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट की हम लोग बात करेंगे, इंक्लूड फैक्ट्री रेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, कंप्लायंस हो गया और इंश्योरेंस हो गया. नेक्स्ट हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. व्हेन कॉस्ट आर डिटरमाइंड इन एडवांस ऑन सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है कि व्हेन कॉस्ट आर डिटरमाइंड इन एडवांस, हम लोग पहले से ही कॉस्ट को जो प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जब कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं एडवांस में ऑन अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट. Periodically to analyze the changes in the cost to revise the standard to avoid any loss due to the outdated costing. इसको बोलते हैं standard costing. तो standard costing समझ गए, when cost are determined in advance on certain predetermined standard under a given set of operating conditions, it is called standard costing. Clear? अगर दूसरी डेफिनेशन है तो वो भी है. देखिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. सब्स्टिट्यूटिंग एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर एन एक्चुअल कॉस्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. सब्सिक्वेंटली वेरियंस आर रिकॉर्डेड टू द सो द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल कॉस्ट. तो हम लोग क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली वेरियंसेस जो होते हैं वेरियंसेस आर रिकॉर्डेड to show the differences between the expected cost and the actual cost.
ऐसी कॉस्टिंग जो हम लोग पहले से प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो हम लोग अनुमान लगाते हैं प्रिडिक्ट करते हैं अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. व्हेन कॉस्ट आर डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ये उसका उल्टा हो गया. उसमें प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग कॉस्टिंग करते हैं उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्टिंग व्हेन कॉस्ट आर डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे जो कॉस्टिंग करा जाता है उसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं. व्हेन कॉस्ट आर डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. ठीक है, इन दिस सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट आर डिटरमाइंड ओनली आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड. एक बार कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग खर्च उसको कॉस्टिंग करेंगे. ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस यूज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट. मोस्टली मैक्सिमम सभी ऑर्गेनाइजेशंस और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग करते हैं. ये हो गया सब कॉस्टिंग. आप बताइए कोई कॉस्टिंग में कोई डाउट हो, आप थियोरिटिकल में सभी कॉस्टिंग हमने आपको बता दिया, कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज. नेक्स्ट है रिकॉन्सिलेशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. क्यों हम लोग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन क्यों करते हैं? Anyone is having any doubt, please do tell me. आगे बात करते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ द कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट क्यों कर किया जाता है, कॉस्ट का रिकॉन्सिलेशन क्यों करते हैं हम लोग. कॉस्ट अकाउंट एक्ट एज ए चेक ऑन फाइनेंशियल अकाउंट. टू अचीव दिस वी हैव टू बी कंपेयर द प्रॉफिट लॉस असर्टेन अंडर द कॉस्ट अकाउंट विद द प्रॉफिट एंड लॉस अराइव अंडर द फाइनेंशियल अकाउंट. By preparing a reconciliation statement, we can find out the causes of difference in cost accounting and financial accounting. हम लोग रिकॉन्सिलेशन से ये पता लगा लेते हैं कि कोई डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, किन कारणों की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिफरेंसेस आ रहा है. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बींग यूज बाय लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म. दे अडॉप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू मैथड्स, इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रल और इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग. ठीक है, इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और नॉन इंटीग्रल और इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग. ये क्या होता है? पहला है इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग. इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग व्हेन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर यूनिफाइड. जब कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूनिफाइड होते हैं इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेट इंटीग्रल अकाउंटिंग. इन इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट केप्ट सेपरेट. दोनों को सेपरेट नहीं रखते हैं, दे आर टुगेदर रिकॉर्डेड इज वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, जब कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट केप्ट सेपरेट दे आर टुगेदर रिकॉर्डेड इन वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड और इंटीग्रल अकाउंट. ये इसका उल्टा हो गया. व्हेन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर केप्ट सेपरेट द मेथड इज फॉलोड इज कॉल्ड नॉन इंटीग्रल और इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग. ये उसका उल्टा हो गया. ठीक है, दोनों के लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन. Under this system, need of conciliation of the cost in financial account arise out when non-integral accounting method is followed. ये बता ही दिया. अब आया preparation of the cost. ये numerical आपको कराएंगे, उसके बाद आज से क्लास खत्म करेंगे. Suppose you are running a factory which manufactures the electronic toys. You incur the expenses on raw material, labor and other expenses which can be directly attributed to the cost. And this cannot be directly attributed but are incurred up to their sales. You need to know the composition of the cost at a different stages. This will help you in the analysis of the cost of a different product so that same can be used for its proper management. In this lesson, aapko kya samajh mein aaya, cost sheet kya hota hai? Cost sheet meaning and its importance. Bahut important hai. Cost sheet is a statement which shows the various component of total cost of production kitni aayi hai. It classify and analyze the component of the cost of a product. Previous period data is given in the cost sheet for the competitive study. It is a statement which shows per unit cost.
इन द एडिशनल टू टोटल कॉस्ट, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट भी आती है, एडिशनल टोटल कॉस्ट भी आती है। सेलिंग प्राइस इज असर्टेन विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट, हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। द डिटेल ऑफ कॉस्ट शीट, डिटेल ऑफ टोटल शीट, सॉरी डिटेल ऑफ टोटल कॉस्ट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज ए कॉस्ट शीट। तो डिटेल्स ऑफ टोटल कॉस्ट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज ए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम लोग दो तरीके से कॉस्ट शीट को बनाते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस। तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जो वेरियस कंपोनेंट्स को, टोटल कॉस्ट को दिखाता है। इट क्लासिफाई एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। प्रीवियस पीरियड डेटा इज गिवन इन द कॉस्ट शीट फॉर कॉम्पिटेटिव स्टडी, पुराना डेटा भी दिया होता है जिससे हम लोग कॉम्पिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज पर यूनिट कॉस्ट, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें पर यूनिट कॉस्ट भी आती है, एडिशनल कॉस्ट भी आती है। सेलिंग प्राइस असर्टेन विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट, हम लोग कॉस्ट शीट की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। डिटेल्ड ऑफ कॉस्ट शीट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज अ कॉस्ट शीट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकरिंग द एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी तुमने बताया था पीछे आपको, जो एक्चुअल जो एक बार खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसके बाद जो हम लोग उसकी अकाउंटिंग करते हैं उसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, उसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है? जो प्रेडिक्टेड होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्शन होने से पहले अनुमान लगा लिए कितना खर्चा होने वाला है, उसको हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कहते हैं। सच कॉस्ट शीट इज यूजफुल इन कोटिंग द टेंडर प्राइस ऑफ ए जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कॉस्ट शीट टेंडर प्राइस और जॉब और कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंसी ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट असर्टेनमेंट हमने बता ही दिया आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट शीट इज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट हेल्प ने असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट आफ्टर दे आर इनकर्ड। इट ऑल्सो हेल्प टू असर्टेन द एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम लोग इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए और एक्चुअल कॉस्ट के लिए, मतलब एक ओवरऑल कॉस्ट को पता लगाने के लिए, कॉस्ट को निश्चित करने के लिए, कॉस्ट को पता लगाने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट का यूज करते हैं। इसमें टोटल कॉस्ट पता चल जाती है, पर यूनिट कॉस्ट भी। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए उसके लिए पता लगा, उसके लिए कॉस्ट शीट का यूज करते हैं। टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज असेंशियल टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। इट हेल्प इन ऑफ फिक्सिंग सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट। हेल्प इन अ कॉस्ट कंट्रोल, ओवरऑल कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट शीट से। फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज नेसेसरी फॉर एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हेल्प इन अ कंट्रोल ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ट्राई ऑफ फैसिलिटेट द मैनेजरियल डिसीजन, ओवरऑल डिसीजन लेने के लिए, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए भी एक कॉस्ट की यूजफुल होता है कॉस्ट शीट का। इट हेल्प इन अ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय द मैनेजमेंट सच एज वेदर टू प्रोड्यूस और बाय अ कंपोनेंट, कि हमको प्रोड्यूस करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स को या खरीद लेना चाहिए। व्हाट प्राइस ऑफ गुड्स ऑट टू बी कोटेड इन द टेंडर, क्या हमको जब टेंडर डालना है टेंडर में प्राइस को क्या कोट करना है, 10 रुपये रखना है, 20 रुपये रखना है, 30 रुपये रखना है। वेदर टू रिटेन और रिप्लेस और एग्जिस्टिंग मशीन, मशीन को हमको रिप्लेस करना है या रिटेन करना है, रखना है अपने पास या इसको रिप्लेस करके दूसरी मशीन लेना है। तो कई सारी चीज़ों के, कई सारे डिसीजंस के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए, कॉस्ट को फिक्स करने के लिए हम लोग एक कॉस्ट शीट की इंपॉर्टेंसी होती है। अब आया ये एक न्यूमेरिकल है, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31st मार्च 2013। ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,500, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1,36,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,500, डायरेक्ट वेजेस 54,000 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000, फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 26,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 12,000 और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ये क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 12,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है। अब क्या पता लगाना है, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 20% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट के साथ आपको कॉस्ट शीट बनाना है।
ठीक है, देखिए दोनों चीजें देखते रहिएगा। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना है? 12,500। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,36,000। तो 12,500 कितना हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,36,000। दोनों को एड ऑन कितना कर दिया? 1,48,500, 1,48,500 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है देखिए? 8,500, 8,500, 8,500। इसको हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस ही होगा ना, 1,40,000 बचा। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 54,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? वेजेस 54,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000। तो प्राइम कॉस्ट हमने क्या बताया था आपको कल, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस को जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। ये कितनी हो गई? 2,06,000। कितना हो गया? 2,06,000 हो गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना है देखिए? फैक्ट्री ओवरहेड लिखा था 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितना वेजेस है उसका 100%। वेजेस कितना है? 54,000। तो 54,000 का 100% कितना हो गया? 54,000। तो 2,06,000 में 54,000 जोड़ देंगे, क्योंकि 54,000 हमारा डायरेक्ट वेजेस था ना। ये देखिए इसमें 100% हमारा डायरेक्ट वेजेस का ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड। तो 2,06,000 में 54,000 जोड़ के कितना हो गया? 2,60,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है देखिए? यहाँ पे कितना लिखा है? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है? जो जितनी ओवरऑल कॉस्टिंग है उसका 20% हमारा कितना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो 2,60,000 का 20% कितना हुआ? 52,000। 2,60,000 20/100, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, 1 0 26 दूना 26, 2 जा 52, 52 और 30, तो 52,000 हो गया हमारा कितना? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो 2,60,000 और 52,000 कितना हुआ? 3,12,000। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था यहाँ पे देखिए? 12,000, ये जोड़ दिया है। 3,12,000 और 12,000, 3,24,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, याद रखिएगा। 3,24,000 में से 15,000 माइनस किया, कितना बचा? 3,99,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है 26,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 26,000 रुपये ये दिया हुआ है। ये क्या होगा? ये जुड़ जाएगा। 3,09,000 प्लस 26,000, 3,35,000 रुपये। और 3,35,000 रुपये पे हमने कितना बताया आपको? कितने परसेंट प्रॉफिट निकालना है? 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब 3,35,000 का 20% निकालेंगे, ठीक है? 1 0 से ये जीरो गया, तो 33 33, 33 2 जा 66, 5 2 जा 10, तो 6,700, 67,000। तो 67,000 जोड़ देंगे, सेल्स कितनी हो गई हमारी? 4,02,000। ऐसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। जितने भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो सब माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन सब कुछ पेपर में दिया होगा, आपको हम भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। पीपीटी भेजेंगे, उसमें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो बताइए। बहुत सिंपल है, आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है आपको, देखते रहना। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, ओपनिंग स्टॉक जितना होगा एड ऑन कर लेना, और सब कुछ तो क्वेश्चंस में दिया ही है, सिंपल सिंपल, ठीक है? कोई डाउट हो प्लीज बताइए।
Anyone is having any doubt, please do tell me. Hello, once again, thank you so much for joining.